भारत ने लाया डिफेंस क्षेत्र में फिर से नया भूचाल। दुश्मन देशों में मचा बवाल, चीन, अमेरिका और रूस के भी उड़े होश। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक अपने रक्षा क्षेत्र में ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखा रहे हैं जिसको देखकर दुनिया हैरान है। भारत अपने अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए हर तरह का मिसाइल, फाइटर जेट और नए नए हथियार बना रहा है। इसी बीच भारत की डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री ने एक बार फिर से दुनिया भर में अपना टहलका मचाना शुरू कर दिया है। जहां रिपोर्ट की माने तो भारत की DRDO कॉम्बैट व्हीकल के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसका इंतजार भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी देशों को है, क्योंकि यह भविष्य का वह हथियार है जिसको ऑपरेट करने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का यह ऐसा लड़ाकू विमान है जिससे दुश्मन के रडार देख तक नहीं पाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं DRDO के द्वारा डेवलप किए जा रहे फूफा ड्रोन की, यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैंड फाइटर एयरक्राफ्ट की। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट पर भारत की DRDO पहले से ही काम कर रही थी, लेकिन हाल ही में इस प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट की कुछ ऐसी खूबियां हैं जिसने अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन को भी पीछे छोड़ दिया है। और प्रेडेटर ड्रोन केवल अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली माना जाने वाला ड्रोन है, जिसको भारत का फ्यूचरिस्टिक अनमैंड फाइटर एयरक्राफ्ट टक्कर दे रहा है। दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट, चलिए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत की DRDO के इस नए प्रोजेक्ट के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट वीडियो लाइक कर दीजिए। असल में दोस्तों, देखा जाए तो भारत की DRDO और अन्य डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों द्वारा डेवलप किए जा रहे डिफेंस हथियारों की चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि डिफेंस के मामले में चाहे आर्म्ड व्हीकल हो या फिर फाइटर जेट या फिर सबमरीन और युद्धपोत ही क्यों ना हो, इन सबको भारत की कंपनियां स्वदेशी तौर पर डेवलप करने में हाथ धोकर जुट चुकी हैं। और हाल ही में जारी की गई खबर को माने तो भारत की DRDO ने फूफा यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैंड फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि यह एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे भारत की DRDO काफी पहले से ही बना रही थी। और सबसे खास बात यह है कि जो अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन है ये उसको सीधा टक्कर दे रही है, जबकि देखा जाए तो अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन की प्रेजेंस इतनी ज्यादा है कि इसे सबसे शक्तिशाली अनमैंड एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसीलिए DRDO द्वारा डेवलप किए जा रहे इस फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट का इंतजार देश को तो है ही, साथ ही पूरी दुनिया को भी है, क्योंकि यह भविष्य का वह हथियार है जो दुश्मनों के घर में तेज गति से घुसकर हमला करेगा और दुश्मन का रडार या आंखें इसे देख भी नहीं पाएंगी, जिससे यह भारत के सबसे गोपनीय डिफेंस प्रोजेक्ट्स में से एक है जिसकी टेक्नोलॉजी को DRDO पूरी तरह से सीक्रेट रखने वाली है। आपको बता दें कि यह जो फूफा ड्रोन भारत की DRDO बना रही है, इसकी पेलोड कैपेसिटी लगभग 1500 किलोग्राम है, जबकि वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन की कैपेसिटी लगभग 1700 किलोग्राम है। यानी कि भारत का यह एयरक्राफ्ट स्वदेशी कंपोनेंट से डेवलप होने के साथ साथ कई गुना सस्ता और लगभग अमेरिकी ड्रोन के बराबर क्षमता वाला है। और इसका जो वजन है वह लगभग 5500 किलोग्राम है, और इसी के आसपास अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन का भी वजन है, यानी कि वजन में यह अमेरिकी ड्रोन के लगभग बराबर है। और दूसरी बात यह सामने निकल कर आ रही है कि यह जो ड्रोन है यह इतना ज्यादा बड़ा होने वाला है कि भारत के पास जो तेजस Mk1 फाइटर जेट है लगभग उसके बराबर साइज का या फिर उससे थोड़ा बहुत छोटा होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें उतनी ही कैपेसिटी वाला इंजन लगाया जाएगा जो कि तेजस फाइटर जेट में लगाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसे भारत की DRDO विशेष रूप से ध्यान में रखकर इसे डेवलप कर रही है, जहां इसमें सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि यह फूफा ड्रोन बनाने में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाए ताकि भारत की आत्मनिर्भरता बढ़े और दूसरे देशों पर डिपेंडेंट न रहना पड़े। इसीलिए हम इसमें न सिर्फ स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे बल्कि इसमें जो इंजन लगाया जाना है उसे स्वदेशी रूप से बनाकर तैयार कर लिया गया है। और अच्छी बात यह है कि इससे हम दूसरे देशों पर निर्भरता कम कर पाएंगे
और भारत की कंपनियां जब चाहे ऐसे हथियार बनाकर तैयार कर सकती हैं, और इसके सक्सेसफुली डेवलपमेंट के बाद इंडियन एयर फोर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जिससे ओवरऑल भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी और ज्यादा बढ़ सकेगी। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने भी भारत को किस तरीके का नुकसान पहुंचाया है, इसको हम सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो भारत में तेजस फाइटर जेट इस समय डेवलप किए जा रहे हैं, उसमें अमेरिका की निर्माता कंपनियों द्वारा डेवलप किए गए इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे तेजस को पावरफुल कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन रिसेंटली आपने ध्यान दिया हो तो अमेरिकी निर्माता कंपनी की तरफ से अभी तक भारत को तेजस में इस्तेमाल होने वाले इंजन नहीं मिल पाए हैं, और इसमें लगभग 6 महीने का डिले हो चुका है। और यह इंजन कब भारत को मिलेंगे, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है, जिससे भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा तेजस फाइटर जेट बनाने का प्रोजेक्ट दिन पर दिन डिले होता जा रहा है। और केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि 2 महीने पहले जर्मनी ने भी अपनी औकात दिखाते हुए भारत को मिलिट्री टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन को देने से साफ साफ मना कर दिया था। इसके बाद भारत को खुद ही टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन को इंडिजीनस डेवलप करना पड़ा। हालांकि भारत को 2 बार इंजन की सप्लाई में अलग अलग देशों से देरी का सामना करना पड़ा है, इसीलिए भारत अब जो भी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहा है उसके इंजन्स या फिर अन्य किसी कंपोनेंट के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं होना चाहता। और इसीलिए भारत की DRDO और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी जो भी कंपनियां फूफा एयरक्राफ्ट में अपनी भूमिका निभाने वाली हैं, ये सभी कंपनी स्वदेशी कंपोनेंट से लेकर इनमें इस्तेमाल होने वाले इंजन को खुद मैन्युफैक्चर कर रही है। फिलहाल भारत में डेवलप किए जा रहे इस खास तरीके के एयरक्राफ्ट की कुछ विशेषताओं की बात की जाए तो इसको कंट्रोल करने के लिए एयरक्राफ्ट में किसी भी इंसान को बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके ज्यादा से ज्यादा फंक्शन ऑटोमेटेड होंगे और इसे रिमोट के जरिए आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि फ्यूचर के नजरिए से बेहद ही महत्वपूर्ण और उपयोगी एयरक्राफ्ट है। यानी कि यह एक ऐसा हवाई हथियार है जिसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान की सेना कांप जाएगी। ये जब दुश्मन के आसमान में मौत की तरह बरसेगा तो कड़ी से कड़ी सुरक्षा वाले इलाके भी ध्वस्त हो जाएंगे, और इसके डेवलपमेंट के बाद इस बात के चांसेस ज्यादा है कि भारत ने अमेरिका से जो प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की डील को फाइनल किया है उसे रद्द कर दिया जाए। बाकी आप लोग भारत की इस नई शुरुआत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें, और भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई देना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नई जानकारी के साथ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।